नमस्कार, मैं एनके सिंह। चीफ जस्टिस ने कल मुंबई में एक समारोह में कैट के एक नए ऑफिस का उद्घाटन हो रहा था, तो उसमें एक बात कही है, किसी भी सरकार के लिए थोड़ी भी शर्मो हया हो तो सरकार को जवाब देना, और जवाब ही नहीं देना, सच पूछिए तो वो पूरे दुनिया में उसकी इमेज के लिए एक ऐसा कमेंट है जिसको सुन के कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य व्यक्ति कहेगा कि ये सरकार है कैसी। जानते उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कांस्टेंट टसल चल रहा है जुडिशियरी और सरकार के बीच में कि जजेस के अपॉइंटमेंट को कंट्रोल कौन करेगा। जरा गौर कीजिएगा, सरकार के पास अब यही धंधा रह गया है? सरकार का विकास का धंधा बंद हो चुका है क्या? सरकार पिछले कुछ वर्षों से, और सीधी बात है कि 2014 के बाद, यहां तक कि कानून पार्लियामेंट में लाया गया इनको अंकुश में लगाने के लिए, इनके अपॉइंटमेंट को कंट्रोल करने के लिए नेशनल जुडिशियल कमीशन बना के। अब आप समझ सकते हैं कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन ये बना के उसको लेके जस्टिस चंद्रचूड़ ने कल जब ये कहा कि साहब एक कांस्टेंट निरंतर टसल टग ऑफ वार लगातार द्वंद चल रहा है कि कंट्रोल कौन करे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट, आखिर सरकार का इंटरेस्ट क्या है? क्यों सरकार इतनी इंटरेस्टेड है कि जजेस को वही अपॉइंट करे? इसके पास और धंधा नहीं? दरअसल मुद्दा क्या है जो आपको हम बताना चाहते हैं, इसके पीछे थोड़ा गहराई से सोचिए, तब आपको समझ में आएगा। हर संस्था केचुआ बन चुकी है, हर संस्था इस समय एक चाबुक है सरकार की, जहां चाहे लगा दे, कांग्रेस के एमपी से करोड़ों रुपए बरामद कर ले, बीजेपी वाला वैसा ही एमपी उससे ज्यादा पापी होगा तो भी वो दूध का धोला माना जाएगा, क्योंकि ईडी उसके घर जाएगी ही नहीं, इनकम टैक्स उसके घर जाएगा ही नहीं। लेकिन सारी संस्थाएं तो कब्जे में आ चुकी हैं। आपको ताज्जुब एक बात बताएं, इसके पहले कि हम ये वाला किस्सा जुडिशियरी वाला बताएं, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 आया पिछली साल, वो पूरी तरह से पूरी रिपोर्ट आई, उसमें बड़े ही निहायत निष्ठा से, ईमानदारी से कहा गया था कि साहब एनीमिया बच्चों में भयंकर है, और ये रवांडा और जो बहुत ही गिरे हुए देश है उनसे भी भयंकर कुपोषण की स्थिति है भारत में। इतना वो खतरनाक था वो रिपोर्ट, भारत की इससे किरकिरी हुई, और ये रिपोर्ट NFHS भारत सरकार की है। आपको ताज्जुब होगा, वो रिपोर्ट रोक दी गई। अब वो रिपोर्ट की जगह NFHS 6 राउंड आ रहा है, हो सकता है अगली साल आ जाए, और उसका जो हेड था, जो दुनिया का जाना माना स्टेटिशियन था, उसको निकाल दिया गया, उसको सस्पेंड करके निकाला गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दो कि माल न्यूट्रिशन रवांडा जैसा है, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जैसा है। तो कौन अफसर होगा, कौन इलेक्शन कमीशन होगा जो सरकार के खिलाफ जाएगा? आप जानते हैं, एक गए थे, एक इलेक्शन कमिश्नर गए थे, क्या उनकी दुर्गत की सरकार ने? अभी जुडिशियरी पे ये हाथ नहीं डाल पा रही है, प्रलोभन खूब दे रही है। आइए ना, आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, आप रिटायरमेंट ले, उसके बाद इमीडिएटली आपको हम तमाम जो चीजें हैं उस पे ले आएंगे। और जा रहे हैं लोग, ये वो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के जो कहते हैं मोदी, हमारा भाग्य है कि हम मोदी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, और अगले ही दिन कानून बदल के उनको एक ऐसा ही पद दे दिया जाता है। तो जुडिशियरी फिर भी कुछ लोग हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कल जो कहा और सार्वजनिक मंच से कहा, मुझे ताज्जुब होता है कि देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ये सेंटेंस कहे तो ये कोई साधारण सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है,
there is a constant tussle over who gets ultimate control over appointment of judges. एक लगातार द्वंद चल रहा है, कौन जीतेगा ये नहीं मालूम है, और जीतेगा कौन ये आपका सुप्रीम कोर्ट पे कितना भरोसा है इससे कायम होगा, क्योंकि सरकार को दहशत होगी कि सुप्रीम कोर्ट पे हाथ लगाएंगे, हाथ लगाने को वो तैयार बैठी है, लेकिन अगर हाथ लगा दिया तो जनता की नजरों में वो गिर जाएगी, इसका डर है। लिहाजा अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे चूंकि एक ही संस्था बची है जिसपे हमारा भरोसा है, तो उन्होंने कहा देयर इज कॉन्स्टेंट टसल ओवर हु गेट्स अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट पे अंत में कौन पहलवान जीत के आता है और कंट्रोल करता है उस अपॉइंटमेंट को, ये उसका किस्सा है, लगातार चल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट हर तीसरे दिन कॉलेजियम के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको मालूम है कि 2015 में जो पार्लियामेंट पे एक्ट बना उसमें सीधा था कि जजेस के अपॉइंटमेंट अपना जो बनी थी कमीशन उसके उसके हिसाब से जो मेंबर्स थे, 7 मेंबर की कमिटी थी, उसमें वर्चस्व सरकार का था। क्यों सरकार चाहती है, दरअसल इसके पीछे गहरा राज है। ये देश मोदी ने और मोदी की सरकार ने दो हिस्सों में बांट दिया है। एक है जो भक्त मोदी का है, बड़ा वर्ग है जो मोदी का भक्त है, एक है जो मोदी को समझ रहा है, मोदी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है, ये दूसरा वर्ग है। पूरा देश बटा हुआ है, या तो आप उस खाने में है या इस खाने में है, आप बीच में नहीं हो सकते। नतीजा इसका क्या हो रहा है, मोदी को चाहिए ऐसा कि जो भक्त वर्ग है उसको वो जबरदस्त रिवार्ड देते हैं, यहां तक कि जो अफसर उनके साथ मिलके उनके हिसाब से काम कर रहा है उसको गवर्नर बनाना, उसको कुछ भी बनाया जा सकता है, जजेस पे ये नहीं कर पा रहे। दरअसल हुआ ये किस्सा कोई आज का नहीं है, ये मोदी की नहीं है गलती, ये 1981 एक परंपरा थी उस समय, 1981 और उसके बाद 12 साल भी रही, उसमें होता यह था कि 5 जजेस का अपॉइंटमेंट मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में होना है तो चीफ मिनिस्टर 5 जजेस की लिस्ट भेजता था, तो जो चीफ जस्टिस होता था वो कहता था साहब दस्तखत तो आखिर हमारा भी रिकमेंडेशन चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 124 में बहुत स्पष्ट है कि जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पे होंगे, बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट ये उसमें स्पष्ट है राष्ट्रपति ही करेंगे, मतलब सरकार ही करेगी, लेकिन वो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट में डीम फिट। और इसके आगे अगला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट नहीं है तो बाकी सभी जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए शैल मतलब जरूरी होगा चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन। अब समझौता होता था, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते थे कि हुजूर 5 पोस्ट हैं तो आप ऐसा करिए, चीफ मिनिस्टर से कहता था, गिड़गिड़ा के कहता था 1981 के पहले और 81 के बाद भी, हम 81 बताएंगे उसका संदर्भ क्या है, गिड़गिड़ा के कहता साहब 2 हमारे ले लीजिए, तो 2 जुडिशियरी के होते थे जजेस नाम रिकमेंड किए जाते थे और 3 होते थे जो चीफ मिनिस्टर साहब बहादुर, क्योंकि सरकार तो उस समय प्रमुख हुआ करती थी, तो ये हुआ ये किस्सा होता था। एक ये किस्सा है कि एक चीफ मिनिस्टर के अपने बगल के उनके इलाके के कोई एक वकील साहब थे, वो बिजली की चोरी का केस लड़ा करते थे और उसकी वो बहुत खराब रेपुटेशन थी, आप ताजुब करेंगे, वो एक दिन रातों रात हाई कोर्ट के जज बन गए, जबकि वो मशहूर थे बिजली के चोरी केसेस, बिजली चोरी कंपनियों की फैक्ट्रियों की कराते थे और जब होता था तो उसके केस लड़ते थे, वो कुछ अपना उनका था, वो हाईकोर्ट के जज बना दिए गए इसी एडजस्टमेंट के थ्रू। उस समय SP गुप्ता केस आया, 1981 में इसका फैसला हुआ और उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं साहब, सरकार
है सीजीआई है प्राइवेसी है लेकिन सरकार चाहे तो कोजेंट रीजंस की वजह से अगर वैलिड रीजन है तो सरकार वो अपॉइंटमेंट रोक सकती है। इसका मतलब था उस दिन से फिर ये हो गया कि सरकार बहादुर सबसे बड़े हो गए और अपॉइंटमेंट जो पहले होता था उसी तरह अगले 12 साल चला। लेकिन उसके बाद एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस आया एओआर केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 1993 में ये फैसला आया कि नहीं साहब इसके लिए कॉलेजियम होगा और वो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का होगा वही फैसला लेगा कि जजेस के अपॉइंट। हाँ सरकार चाहे तो उन जो लिस्ट दिया गया है कॉलेजियम द्वारा उस लिस्ट में से अगर चाहे तो कोई वैलिड रीजन हो तो बताए, रोके नहीं लेकिन बताए कि ये वैलिड रीजन है साहब आईबी के रिपोर्ट से ये पता लगा। कॉलेजियम बन गया, पहले 3 जजेस होते थे कॉलेजियम में, उसके बाद 5 जजेस जब 1998 में जो जजेस केस तीसरा जजेस केस आया उसमें ये हुआ कि 5 जजेस कर दीजिए। उसमें फैसला ये हुआ कि साहब जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है वो 3 की जगह 5 जजेस का हो और हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो तो 3 जजेस का चीफ जस्टिस का हो, पहले वो करे नाम प्रस्तावित और फिर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में जाए तो 5 जजेस उसको डिसाइड करें। 1998 में ये आ गया लेकिन 93 से जुडिशियरी का प्राइवेसी रहा, जुडिशियरी कॉलेजियम के थ्रू अपॉइंटमेंट करती थी। सरकार बड़ी बेचैन है, सरकार को चाहिए वो जजेस जो सवेरे नमस्ते सदावत सले मातृभूमि करने वालों के हिसाब से हो, ऐसे वकीलों को वो जज बनाना चाहती है क्योंकि तब सब कुछ अपने हिसाब से हो जाएगा। कहां जाएंगे हम, आप कहां जाएंगे हम, सामने सामने आप उठा के जेल में कर देंगे और हम वर्षों सड़ते रहेंगे वो जज साहब फिर नहीं देखेंगे क्योंकि वो नमस्ते सदावत सले मातृभूमि वाले उससे आते हैं, उस वाले स्टॉक से आते हैं। नतीजा ये हुआ कि सरकार बहुत बेचैन है, भारत बढ़ चुका है, 2 ग्रुप में बढ़ चुका है, एक मोदी भक्त ग्रुप है और एक है जो रेशनल थिंकिंग कर रहा है और इसमें बड़े अफसर भी हैं, इसमें बड़े विद्वान भी हैं, इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं जो मोदी भक्त हैं और वो पूरी तरह भक्त है क्योंकि उनको अर्ध सत्य ही बताया गया है। किसी ने आपको बताया कि NFHS का सर्वे करने वाला सिर्फ सरकार के खिलाफ रिपोर्ट दे दिया कि भारत में बाल कुपोषण इतना ज्यादा है बच्चों में, उसको निकाल दिया गया? आपको किसी ने नहीं बताया है ना, ये हकीकत है। और ये कहा गया कि साहब वो जो पूरा सर्वे किया था वो बकवास था, वो सर्वे तो गलत था। पूरी दुनिया में जो बच्चों का एनीमिया का टेस्ट होता है वो फिंगर में से ब्लड निकाल के होता है, उससे नहीं निकाला जाता, वेन से नहीं निकाला जाता है। लेकिन आप पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस है कि जितने भी सर्वे होते हैं उसमें फिंगर से बच्चों के निकाला जाता है, लेकिन ये कहा गया कि साहब ये फिंगर से निकालता है इसीलिए इसका एनीमिया आरबीसी कम आ रहा है, इसमें हेमोग्लोबिन कम आ रहा है क्योंकि फिंगर वाले में हेमोग्लोबिन कम होता है और वेन वाले में ज्यादा होता है। ये कह के उसने कहा कि सारी रिपोर्ट गलत है और भारत सरकार ने रिपोर्ट रोक दी। आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि इस रिपोर्ट को बनाने वाला दुनिया का सब बहुत बड़ा स्टेटिशियन, उसको निकाल दिया गया, रातों रात निकाल दिया गया। उसी तरह से 2017 में NSSO की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि मोदी के राज में गरीबी बढ़ी है, वो रिपोर्ट रोक दी गई। वो तो कहिए मीडिया के कुछ संस्थानों को मिल गया था गलती से, उस समय इतना ज्यादा वो नहीं था, मीडिया कमजोर नहीं थी तो उन्होंने छाप दिया, 1-2 ऐसे अंग्रेजी के अखबार थे, एक हिंदी का अखबार था, उसने ये छाप दिया, बस ये छापना था, वो पूरी रिपोर्ट ही रोक दी गई। आपने देखा कि किस तरह GDP कैलकुलेशन का मेथड चेंज किया गया। तो मोदी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा तत्व हो जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके, लगभग हिटलर भी ऐसा ही चाहता था, खैर हम उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो लिहाजा कंट्रोल करने के लिए आपने उनको छोड़ दिया, लॉ मिनिस्टर्स को, आपको याद होगा एक लॉ मिनिस्टर अभी इसके पहले जो थे
हर तीसरे दिन वो कॉलेज के हमको गरियाते थे का मतलब कि उठ पटांग बोलते थे उसके खिलाफ, उनको डिमीन करते थे कॉलेजियम को, कहते थे साहब गलत सिलेक्शंस करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि जब से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ आए हैं एक नई प्रक्रिया बनाई है कि उन जजेस का जिनके नाम प्रस्तावित हैं सुप्रीम कोर्ट आने के लिए या चीफ जस्टिस बनाने के लिए, उनके फैसले देखे जाते हैं, फैसलों को स्टडी किया जाता है, एक बॉडी है ऐसे एक्सपर्ट्स की जो उनके फैसलों को एनालाइज करती है, उसकी क्वालिटी देखती है, गुणवत्ता देखती है, और तब जाके उनका रिकॉर्ड देखा जाता है, उनके पीयर्स से बाकी जो वकील है उनसे पूछा जाता है कि भाई इस वकील का, इस जज का कंडक्ट कैसा है, बाकी जजेस से पूछा जाता है जो उस हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, उनसे पूछा जाता है और उन सबकी बाकायदे रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इसके ठीक बरक्स देखिए, मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज अपॉइंट होना था, सरकार ने उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया, एक साल दो साल रोके रखे, जब दबाव डाला गया तो सरकार बहादुर ने क्या कहा, साहब आईबी की रिपोर्ट है, और आईबी की रिपोर्ट में क्या था, आईबी की रिपोर्ट में था कि साहब ये जो वकील है ये सरकार के खिलाफ अक्सर बोलता हुआ मिलता है, इसके ट्वीट्स देखिए, ये सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलता है। आप जरा हिमाकत सोचिए कि सरकार की पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई वकील बोलता है तो वो फिर जज नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा जज नहीं चाहिए, और ये बात ऑफिशियली कही गई। सीजेआई ने इसको पब्लिक कर दिया, सीजेआई ने ये रिकॉर्ड पे अपने बता दिया कि साहब सरकार इस आधार पे इस जज का अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है। जज का अपॉइंटमेंट हुआ अभी दो हफ्ते पहले हुआ है, लेकिन कितना दबाव डालना पड़ा जुडिशियरी को, बार बार वो रिट्रेट करे, और नियम यह है कि अगर दोबारा संस्तुति हो गई है कॉलेजियम से तो सरकार को अधिकार नहीं उसको रोकने का, लेकिन आज भी रोक रही है, दोबारा नहीं चार बार कर दीजिए, सरकार बहादुर है। तो ये कॉन्स्टेंट टसल चल रहा है कि किसी तरह एक बॉडी बची हुई है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी की, और अभी साल भर में कई अपॉइंट, जब तक जस्टिस चंद्रचूड़ रहेंगे कई अपॉइंटमेंट्स होने हैं। अब वो कई अपॉइंटमेंट जाहिर है, बड़ा बढ़िया कहा था जस्टिस, चीफ जस्टिस ने और कई जजेस ने अभी हाल में कहा है कि भाई किसी वकील के व्यूज क्या हैं, पर्सनल व्यूज क्या है, उससे जजशिप पे उसके अपॉइंट होने का क्या मतलब है। हो सकता है एक वकील हो जो रोज सवेरे नमस्ते सदावत सले मातृभूमि भारत माता की जय वंदे मातरम रोज कहता हूं, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी जजमेंट की अच्छी हो सकती है, अगर वो वकील अच्छा है निष्ठावान है तो क्यों नहीं अपॉइंट होगा। उसी तरह अगर कोई सरकार की पॉलिसीज के खिलाफत करता है तो क्या उसको जज बनने का अधिकार नहीं। लेकिन आईबी की रिपोर्ट सरकार ने प्रोड्यूस की, कॉलेजियम को भेजा ये कह के कि साहब ये तो सरकार के खिलाफ बोलता है, इसको जज कैसे बनाया जाए। तो इसका क्रक्स यही है, कोई भी शर्मदार हयादार अगर सरकार रहती तो आज के चीफ जस्टिस के इस कथन के बाद, ये जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने पब्लिक फोरम पे, कोई साधारण जगह नहीं, और ऐसे पब्लिक फोरम पे वो लगातार बोलते रहे हैं, तो इसमें मुंबई के एक समारोह में जिसमें कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कहते हैं जो सर्विसेज के केस देखता है, कैट का एक ऑफिस खुला था नया ऑफिस, उसका उद्घाटन करते में वो बोल रहे थे, और उनका सेंटेंस था कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टेंट टसल चल रहा है कि जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, सरकार के साथ एक लगातार द्वंद चल रहा है। सरकार न जीते, क्योंकि जीतेगी तो वो लोग आ जाएंगे वहां पे मिलॉर्ड बन के कि आपको फिर भूल जाइए कि इस सरकार के दरोगा से आपको राहत मिलेगी, आपको दरोगा देख के कांपना पड़ेगा, क्योंकि दरोगा कब उठा के आपको बंद कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है, लिहाजा आपको उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा, और आपको रहना पड़ेगा, जुडिशियरी को मजबूत करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को मजबूत करना पड़ेगा, कम से कम दिसंबर तक, जस्टिस चंद्रचूड़ अगले दिसंबर तक उनका कार्यकाल है, इन एक साल में अच्छे जजेस आए
इसके लिए कॉलेजियम मजबूत हो, इसके लिए चीफ जस्टिस इंडिया के हाथ मजबूत हो, हम लोगों का अपना परसेप्शन जुडिशियरी को लेके पूरी तरह इंटैक्ट रहना चाहिए। जुडिशियरी को भी ये देखना होगा कि सत्य के साथ ही रहे, वो सत्य के प्रति वो निष्ठा बनाए रखे जिसका भरोसा जनता कर रही है। तो आज हमने आपको ये किस्सा इसलिए बताया कि भारत का चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि सरकार से लगातार द्वंद चल रहा है कि जुडिशियरी को कौन कंट्रोल करेगा। क्यों साहब, सरकार को वोट इसके लिए दिया गया था कि मोदी जी जुडिशियरी जजेस कंट्रोल करें, ईडी कंट्रोल करें, इनकम टैक्स कंट्रोल करें, कि इसलिए दिया गया था कि विकास करे, वो जो कौन सा पैसा कहां चला गया था उसको लोगों के जेब में डाले। लेकिन आप 5 किलो अनाज डाल के खुश हो रहे हैं, तो आप इनको गौर से देखिए। और चीफ जस्टिस को इस समय मजबूती चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट असल है सरकार के साथ। चीफ जस्टिस ने बहुत ही सहज शब्दों में कहा है, देयर इज अ कांस्टेंट असल फॉर कंट्रोल ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। सरकार से के साथ वो टसल है, सरकार चाहती है कि जुडिशियरी को खत्म करे। हम आप सब मिलके इसके खिलाफ खड़े हों, जुडिशियरी का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको मजबूत करें, तभी ये संभव है। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे चर्चा करते रहेंगे।